आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। बोकारो, हेलो सीओ चंदन क्यारी, एक बूढ़ी महिला आई हैं जिनका जमीन दबंगों ने दखल किया है। यही नहीं, साहब ने कुआ भी दखल किया है, इसे पानी भरने से रोक रहा है। उसे मुक्त कराओ तथा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराओ, समझे नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। यह बात उपायुक्त बोकारो मुकेश कुमार ने चंदन क्यारी सीओ से कहा। वे आज लोगों की फरियाद सुन रहे थे, वे सभी शिकायतों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। उपायुक्त के दरबार में राशन, वृद्ध पेंशन, भूमि से संबंधित अधिकांश मामलों का निपटारा किया। कुछ अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जब से योगदान दिया हूँ तब से हर दिन जनता से मिल रहा हूँ। अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि मामला का तत्काल निपटारा करें, वरना संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जनता दरबार में पिछले जिस दिन से हमने ज्वाइन किया है तब से लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आज कोई स्पेसिफिक जनता दरबार नहीं है, लेकिन पूर्व से चुकी तिथि निर्धारित है, लेकिन मैं रोज दिन लोगों से मिल रहा हूँ और अलग अलग किस्म की समस्याएं, कई जमीन संबंधित मामले हमारे पास आए जिसमें कई दबंग लोगों के द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत भी लोगों ने की है। कुछ लोगों के ऊपर कुआ और सार्वजनिक जो हमारे एसेट्स हैं उसके ऊपर कब्जे की बात कही गई है। इसके अलावा कई जो है पेंशन और राशन संबंधित जो है मांग भी लोगों ने सौंपे हैं, तो उसको लेकर जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको सूचित किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर से सभी कंसर्न ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, बात करके उनको निर्देश भी दिया जा रहा है कि इसको तत्काल इसके ऊपर अमल किया जाए। जो चीज़ें डिस्पोजल योग्य हैं तत्काल उसका डिस्पोजल किया जाए, जिसमें वक्त लग सकता है, लोगों को फेयरली बताया जाए ताकि ये दौड़ने की पद्धति को हम लोग जो है डिस्करेज कर सकें। साथ ही साथ जो है हम लोग आवेदन को भी तत्काल जो है उनको कंसर्न ऑफिसर को संसूचित करते हुए भेज रहे हैं, ताकि जो बहुत टाइम डिले होता है चिट्ठियों को बनाकर भेजने में, पत्राचार करने में, उसको भी रिड्यूस किया जा सके। और कोशिश ये है कि जो भी लोगों के सामान्य लोगों के जो ग्रीवांस हैं जिससे कि छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से उनके दैनंदिन जीवन में बहुत परेशानी है, उसका निराकरण हम लोग कर सकें। और एक बेहतर चीज़ यह है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से समझ भी पा रहा हूँ कि जिले में किस तरह की दिक्कत ज़्यादातर लोगों के साथ है।